बिहार में अपराधियों के लिए किसी को भी गोली मार देना कितना आसान हो गया है। आम आदमी, व्यापारी, नौकरी पेशा वर्ग या नेता, कोई भी हो, अपराधियों के निशाने पर ही रहता है। नवादा में अपराधियों ने एक सराफा व्यवसायी को दिन दहाड़े गोली मार दी। नवादा में अपराधियों का कोहराम, सराफा व्यापारी को 5 अपराधियों ने गोली मारी। गंभीर हालत में पटना किया रेफर, ग्राहक बनकर लूट करने आए थे अपराधी। नवादा का भीड़भाड़ वाला इलाका फलगल। वक्त सुबह के 10 बजे, दिन की शुरुआत हुई ही थी। लोग अपनी दुकान प्रतिष्ठान खोल ही रहे थे कि अचानक बाजार में शोर शराबे की आवाज सुनाई देने लगी। कोई कुछ समझ पाता कि एकाएक गोलियों की आवाज आने लगी और 5 लोग भागते नजर आए। दरअसल फल गली के आरपी ज्वेलर्स की दुकान पर 5 लोग ग्राहक बनकर आए थे। वो आभूषण देख रहे थे कि दुकानदार की नजर उनके पास मौजूद हथियार पर पड़ गई। दुकानदार शोर मचाने लगा, तभी घबरा कर अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें से एक गोली दुकानदार की कमर में लग गई। वो घायल होकर गिर पड़ा, उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। पहले 2 आदमी आया, उसके बाद 3 आदमी और आया, फिर इन लोग बोला कि सामान निकालिए। इन लोग दुकानदार को पहचान नहीं रहा था, फिर भी सामान निकाला है। तो बड़ा भाई काउंटर के अंदर बैठा था, बोला सामान निकालने के लिए। इन लोग बोला ठीक है, थोड़ा सस्पेंस में हुआ, देखा चिंता का मामला। उसके बाद इन लोग थोड़ा सा कुछ समझने लगा, समझने लगा। उसके बाद जो है तो इन लोग पिस्टल निकाल, पिस्टल निकाल करके तो उसको समझ गया, छोटा भाई समझ गया, छोटा भाई काउंटर के बाहर बैठा हुआ समझ गया पूरा। तो बाहर निकाल के हल्ला करने लगा, हल्ला करने के दरमियान में इसको गोली मार दिया। लूट उन लोग लूट नहीं पाए। इस पूरे मामले में अपराधी घबरा कर वहाँ से फरार हो गए। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। भागते हुए उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। इस वारदात के बाद से आसपास के दुकानदार घबराए हैं और डरे सहमे हैं। व्यवसायियों में सुरक्षा को लेकर अब चिंता और आक्रोश है। एक आरपी ज्वेलर्स है फलगली मंडी में, जिनका नाम नरेश जी है। उनको आज सुबह में 4 लड़का मिल के आया था लूटने के इरादा से, लेकिन लूट में सफल नहीं होने के कारण उनको गोली मार दिया गया। इसकी जानकारी पूर्व में शांति समिति की बैठक में दिया गया था कि स्टेशन रोड की सुरक्षा मुहैया कराया जाए, क्योंकि जितना भी सोने चांदी का होलसेलर है, रिटेलर है, सब उधर ही माल खरीदते हैं और बेचते हैं। इतना जानते हुए कि सुरक्षा में पूरा चुप हुआ है, सुरक्षा नाम के पूरे नवादा में कहीं नहीं कुछ है। आप सदर अस्पताल में देख सकते हैं, सदर अस्पताल में आपका भी फोर्स होता है। हमने SP साहब से इसका मांग किया है कि फोर्स भेजा जाए हॉस्पिटल, उसके बावजूद भी आज की घटना में पकड़ाया है कोई? नहीं, कोई नहीं पकड़ाया है। गोली मार के बाद सारा निकल गया है, पता चला है कि CCTV कैमरा में फोटो वगैरह उन लोग का आया है। बाकी हम लोग बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे क्या होना। पुलिस CCTV के आधार पर अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यहाँ एक घटना घटी है सुबह में, एक लगभग 30 वर्ष के युवक को गोली मार दी गई है, और गोली मार के भागने के क्रम में CCTV फुटेज भी आया है। CCTV फुटेज के आधार पे पुलिस उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। CCTV कैमरा की वजह से ही आज हम लोग इस पकड़ पाने की स्थिति में है। भागते हुए लोगों का, लड़कों का चेहरा तक उसमें आया है और पुलिस उस आधार पर छान रही है। शहर भर में CCTV लगे हैं, बावजूद इसके अपराध का गिराफ बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना होगा कि अपराधियों की फुटेज होने के बावजूद भी पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा कर पाती है और कब तक अपराधी सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। गुनाह के लिए नवादा से शैलेश की रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।